हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे होटल। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारा आने वाला हर वीडियो देख सकें। तो हम लोग पहुँच गए हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं रूम में, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर सब लोग फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि अभी पार्टी में टाइम है। शादी अभी रात को होने वाला है, बस बीड वगैरह जो सब वो सब होगा। तो हम लोग दोपहर को ही आ गए थे, लेकिन बच्चे लोग को थोड़ा सा आराम करने देंगे, उसके बाद फिर सब लोगों को फ्रेश करेंगे, उसके बाद तैयार हो जाते। लेकिन बच्चे लोग तो जैसे थकते नहीं आते, एक साथ सबका धूम धमाल सब चालू हो गया था। अब बच्चे पार्टी को देखिए क्या कर रहे हैं। खाने का क्या क्या खाना है सब लोग को? हम थोड़ी हैं तो ऑर्डर करो, पापा ऑर्डर कर रहे हैं। पापा ऑर्डर कर रहे हैं, तुम भी करो। चलो जाओ जाओ जाओ, खेलो खेलो खेलो। संतोषी हो? गिरना नहीं बेटा। तो पहुंचने के बाद सबको लग गई थी छोटी मोटी भूख, ज़्यादा तो नहीं, बस क्योंकि हम लोग खाना खा के ही निकले थे तो बस थोड़ा बहुत भूख लगा था। तो बस थोड़ा बहुत कुछ हल्का फल्का नाश्ता ऑर्डर कर लिए थे, उसके बाद क्योंकि बच्चे को भी खिला देते हैं तो थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर सब लोगों का तो आज धमाल है ही, फिर तो शाम से पार्टी ही स्टार्ट है। लेकिन अभी हल्का फुल्का नाश्ता दे देते हैं, उसके बाद फिर ज्ञान भी सही से खेलेगा। और ज्ञान तो इतना खुश है कि मतलब पूछिए ही मत, बहुत खुश है। उसको सब बच्चे लोग जहाँ ज़्यादा रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी, वैसे भी सभी बच्चों को बच्चे में ही मन लगता है, तो ज्ञान का भी यही हाल है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश हो गए थे नाश्ता वगैरह हल्का कर कर, उसके बाद फिर सब लोग फ्रेश होकर ड्रेस भी चेंज कर लिए, और क्योंकि अब बीड वगैरह सब शुरू होने वाला था तो सब लोग यहाँ पे पैर में महावर लगाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ या शादी विवाह हो तो महावर लगाया जाता है। तो बस मैं घर पे नहीं लगाई थी इसलिए यहाँ पे लगवा रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान कैसे दादी के गोदी में बैठकर चिपक के देख रहा था, उसको तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ शादी हॉल में आके देखने का, उसको बस बोल रहा था मुझे रूम में ही रहने दीजिए, मैं वहीं हम लोग खेलेंगे, लेकिन लेके आए चलो, क्योंकि डर लगता है ना कि अगर हम इधर हैं गिर गया तो फिर इसमें साथ में हम रखना चाहते हैं बाबू को। तो यहाँ पर हल्दी चढ़ाया जा रहा है, सब लोग हमारे घर में यही बीध होता है, यहाँ पे लड़की का हल्दी चढ़ाया जाता है, क्योंकि शाम को ही सारा बीध वगैरह हो गया था, उसके बाद फिर लड़की को तैयार भी होना है दुल्हन को, उसके बाद उसमें भी टाइम लगेगा। तो वो सब जो भी बीध था सब पूरा हो गया था, उसके बाद यहाँ हो गई थी शाम, और शाम को सब लोगों को नाश्ता कराने के लिए ऊपर लेके जा रहे थे। तो क्योंकि बज गया था लगभग 6 बज रहा होगा, तो बच्चे लोग को भी भूख लग गया था कि हम लोग 12 बजे ही आए थे दोपहर को। तो बस यहाँ पे हम लोगों का रूम भी चेंज हो गया था, क्योंकि हम लोग नीचे फ्लोर पर थे, तो बस क्योंकि शादी बस ऊपर सेकंड फ्लोर पर हो रहा था इसलिए रूम चेंज हो गया था। तो फिर उसके बाद आ गए थे ज्ञान को लेकर कुछ नाश्ता कराने के लिए, हम लोग भी कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर रात की तैयारी होगी। और अभी टाइम है, बाराती आने में बहुत टाइम है, इसलिए बस आराम से सब कुछ कर रहे थे। और यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञान को ले आए, और ये यहाँ पे सजावट देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ज्ञान को देखिए बैठ गया यहाँ पे, उसके बाद फिर उस ज्ञान को पूछ रहे थे कि कुछ खाना पीना है, तो उसको तो बस खेलकर ही पेट भरा हुआ था, तो बस बोला मुझे पानी, इतना ज़्यादा पानी पी रहा था, तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो पानी भी बच्चे को पिलाते रहना चाहिए, इसलिए उसको ऐसे भी कहीं घर से निकलता है ना तो उसको पानी बहुत चाहिए हमेशा। और यहाँ पर सब लोगों को नाश्ता भी मिल गया था, तो बस सब लोग ठंडा और ये हल्का फुल्का जो नाश्ता था सब लोग कर रहे थे, क्योंकि फिर रात का भी खाना खाना है, तो ज़्यादा नाश्ता कर ले तो फिर रात को खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो बस हल्का फुल्का नाश्ता सब लोग कर लिए और ठंडा वगैरह सब पी लिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान यहाँ पे देख रहा था बड़ा गौर से कि ये क्या है और ये हवाई जहाज़ रूम में कैसे आ गया, तो बस वही देख रहा था ज्ञान। तो बस अभी हम लोग नाश्ता कर लिए, उसके बाद ये ज्ञान का दोस्त है, और मेन है कि दोनों का नाम भी सेम है। तो ज्ञान बस अपने दोस्त के साथ यहाँ खेल रहा था, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेते हैं उसके बाद फिर फ्रेश फील करते हैं, तो बस क्योंकि ठंडा ज़्यादा नहीं पीते हैं, ज़्यादा अगर मैं ठंडा पी लेती हूँ तो फिर वो गला का प्रॉब्लम हो जाती है, तो बस ठंडा बहुत कम ही पीते हैं, और कॉफ़ी पी लिए तो थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश लगता है। तो बस यहाँ पर हो गया था सबका नाश्ता, और यहाँ की तैयारी तो हो चुकी है, बस एक दो विध होता है जो शादी के पहले घिढ़ारी किया जाता है वो होनी बाकी है।
तो यहाँ पे मम्मी लोग देखते हैं क्या खा रहे हैं, तो यहाँ मम्मी और सब लोग गोलगप्पे की तैयारी, गोलगप्पे खाने की तैयारी। तो गोलगप्पा देखकर तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर कितना भी कुछ खा लो शादी में गोलगप्पा नहीं खाए तो मज़ा नहीं आता है। वैसे तो खा लेते हैं मार्केट वगैरह में, शादी में अगर इतना लाइन भीड़ भी है एक दो भी खा लो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो सब लोग खा रहे थे तो मैंने बोला चलो हम भी खा लेते हैं, क्योंकि गुपचुप देख गोलगप्पे को देख कर तो मन ही नहीं लगता है कि छोड़े। तो ज्ञान को भी खिला दिए थे एक, और थोड़ा तीखा ज़्यादा था तो बस ज्ञान को एक ही खिलाए हैं, क्योंकि ज्ञान का तो फेवरेट गोलगप्पा जो है उतना नहीं खाता है ज्ञान, लेकिन हाँ चाट और चाउमीन रात वो सब खाता है। तो ज्ञान को बस एक खिलाए हैं, उसको फिर थोड़ी देर बाद चाट खिला देते हैं। तो यहाँ पे शाम का नाश्ता ये सब था जो हल्का फुल्का था, क्योंकि रात का खाना अभी बाकी था। और यहाँ पे ले आए थे ज्ञान के लिए चाट, और ज्ञान को टिक्की चाट बहुत पसंद है। तो चले बोले ज्ञान को पहले खिला लेते हैं, क्योंकि बच्चे का पेट अगर भरा रहता है ना वो खेलते रहता है। मुझे मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे बस यही टेंशन रहता है ज्ञान का पेट भरा, क्योंकि घर में सही से उसको सादा रोटी खाने की आदत है और पूड़ी वगैरह तो वो ज़्यादा खाता ही नहीं है, मतलब चबाने में थोड़ा सा पूरी प्रॉब्लम होता है, और वो तो तीखा भी नहीं खाता। लेकिन हाँ चाट अगर मीठा वाला मिल गया टिक्की चाट तो वो खा लेता है। तो मैं ज्ञान को जो भी सॉफ्ट था, लिट्टी और चोखा वो भी सॉफ्ट था, तो उसे खिला दिया, उसके बाद चाट खिला दिया। उसके बाद खाना पीना खा लेने के बाद शाम को घिड़ारी हो गई थी, उसके बाद हम लोग आ गए थे रूम में। और यहाँ पे बस अब बराती आने की तैयारी हो रही थी, बराती बस अब आने वाला ही था, तो हम लोग बस सब लोग तैयार हो रहे थे। और क्योंकि बस घिड़ारी होने के बाद बज गया लगभग 8 या 9 बज रहा होगा, टाइम हम लोग उतना नहीं देख पाए। तो यहाँ पे बस बराती आने का टाइम था और हम लोग फ्रेश हो रहे थे, तो ज्ञान को भी रेडी कर दिए। और ज्ञान को रेडी कर देख सकते हैं, ज्ञान की बहन ज्ञान को दोनों खेल रहा था साथ में। तो हम लोगों का ये फाइनल लुक, तो मैंने लहंगा पहना था और ज्ञान को भी पहना दिए। वैसे ज्ञान बहुत क्यूट लग रहा था, आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो बस अब हम लोग चलते हैं ऊपर, और जिस समय बराती आए तो उसका मैं सूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ज्ञान को उस समय मुझे ज्ञान को थोड़ा सा वॉशरूम में लेके जाना पड़ा, इस कारण से सूट भी नहीं कर पाए थे बराती का सीन। तो बस हम लोग बस पहुंच गए थे खाने के लिए, और यहाँ टाइम लगभग बज रहा था 11 बज रहा होगा। इस बार तो रात को ज्ञान लगभग बहुत लेट तक सोया था, तो 11 बज रहा था, तो ज्ञान को भी ले आए थे खाना खिलाने के लिए। तो बस हम लोग खा कर और कुछ ही देर में बस बराती भी आने वाला है, खा पी कर रेडी रहेंगे और ज्ञान को भी खिला लेंगे, क्योंकि ज्ञान को फिर सोने का भी टाइम हो जाएगा। तो देखते हैं ज्ञान कितने लेट टाइम तक सोता है। वैसे तो पार्टी वगैरह में अगर गया तो अगर उसे नहीं सुलाएं तो वो सोता भी नहीं है, पूरा खेलता है, लेकिन बच्चा है उसको सुलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो खाना पीना सब लोग खा लिए थे, खाना खाने के बाद बस खा रहे थे आइसक्रीम, और गर्मी में ठंडा ठंडा आइसक्रीम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो ज्ञान को भी तो मतलब आइसक्रीम देखकर वो छोड़ ही नहीं सकता है, ज्ञान को आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो बस खा भी रहे थे और ज्ञान को भी खिला रहे थे, और देख सकते हैं ज्ञान को आइसक्रीम मज़ा लेकर ज्ञान खा रहा था। तो बस अब खा पी लिए, उसके बाद सब लोग खा लिए थे, तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत सब लोगों का फ़ोटो शूट कर रहे थे। और ज्ञान को देखिए कितना मतलब पोज मार के वो भी फ़ोटो क्लिक करवाता है, सबको देखता है ना तो वो भी मतलब अलग अलग टाइप का पोज देता है। उसके बाद देख सकते हैं और बस यही खुश हो रहा था, सब फ़ोटो लोग ले रहे थे। और यहाँ पे ज्ञान के चाचू सैलेड खा रहे थे, तो ज्ञान भी बस बैठ गया। वैसे मुझे उसे भरपेट खिला दी थी, लेकिन फिर भी चाचू के साथ खा रहा था बैठकर, लेकिन पूरा देख सकते हैं पूरा मुंह में ले लिया। तो बस मैं वही निकाल साफ़ कर रही थी, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा दे देते हैं ना तो फिर वो चबा नहीं पाता है, निगल जाता है। तो बस वही उसका मुँह से मैं निकाल रही थी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ले लिया था खीरा। तो बस यहाँ पे ज्ञान का हो गया सैलेड पार्ट। खा लो बहन खिलाड़ी, खा लो थोड़ा सा प्यार से खिलाड़ी। गरम पानी अब नहीं खाएगा बाबू, बहुत खाया है। और यहाँ पे दुल्हा बाबू की हो गई थी एंट्री, और यहाँ सब लोग दुल्हा बाबू का गाल जो गाल सिकाई होता है वो हो रहा था, तो हम भी गए थे। और ज्ञान यहाँ पे दूर से ही बैठकर देख रहा था, तो यहाँ पे गाल सिकाई की रस्म हो रही थी, और लगभग 11:30 बज गया था गाल सिकाई होते होते। उसके बाद फिर जयमाला भी होने में 12 बज ही गया था। तो यहाँ पे Oh, oh, oh.
और यहाँ पे सुबह हो गई और शादी विवाह सब हो गया था और बस रात में वरमाला होने के बाद फिर ज्ञान को हम सुलाने लगे थे क्योंकि एक दो बज गया था तो बाबू को सुलाना भी जरूरी था और बस अभी ज्ञान सो ही रहा था तो और यहाँ पे विदाई हो रही थी तो बस विदाई हो गई। तो फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।